नोटबैंड ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों की तोड़ी कमर। नकदी की भारी कमी के चलते बैंक लूटने को मजबूर हुए आतंकी। जम्मू कश्मीर बैंक की 4 ब्रांच में लूट को दिया अंजाम। एक जगह ब्रांच लूटने में हुए नाकाम। गुजरात के राजकोट में ड्राइवर के पास मिले लाखों के नए पुराने नोट। ड्राइवर के पास नए नोट कहां से आए और पुराने नोट कहां खपाने वाला था, अभी इसकी जांच चल रही है। एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस ड्राइवर का किस किस से संबंध है। नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल के मधेशियों को भी नोटों की कमी के चलते जूझना पड़ रहा है। बीरगंज में नेपाल सरकार हर 15 दिन में नागरिकों को 2,000 रुपए दे रही है। इसके अलावा रोजाना बड़ी संख्या में लोग भी भारतीय करेंसी निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक्स सर्विसमैन सेवा परिषद ने लॉन्च किया स्वच्छता अभियान। इस अभियान में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद था जनता में जागरूकता पैदा करना। तिलक नगर से लेकर शहीद स्मारक तक चलाया गया स्वच्छता अभियान। वेस्ट पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जम्मू के कठुआ में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परमानेंट रेसिडेंट्स राइट्स के मामले में राज्य सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के 2000 करोड़ के पैकेज का भी स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने संवारा बच्चों का स्कूल। बाल आश्रम में बच्चों के लिए लगाए गए झूले और स्लाइड। सेना के सहयोग से बच्चों के चेहरे पर आई रौनक। बच्चों के माता पिता का मानना है कि इससे बच्चों में पढ़ाई के लिए बेहतरीन माहौल बनेगा। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तमाम तनावों के बीच बेंगलुरु से आई है एक राहत भरी खबर। बोन मैरो से जूझ रही पाकिस्तानी बच्ची जीनिया को बेंगलुरु के नारायण हेल्थ सिटी में नई जिंदगी मिली है। जीनिया का सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। बोन मैरो में तेज बुखार, खून का पतला हो जाना, जिगर और तिल्ली के बढ़ने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही मरीज की जिंदगी को बचा सकता है। संतरों की पैदावार में नागपुर के बाद अब दार्जिलिंग ने बनाई अपनी खास पहचान। यहाँ के संतरों ने स्वाद और सुगंध के दम पर बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन संतरों का व्यापार नवंबर और जनवरी के बीच होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर संतरों का उत्पादन कम होने लगा है। लिहाजा संतरा उगाने वाले किसान और इसके व्यापार में लगे लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। बिहार के पूर्णिया में NH-31 पर बना काठ का ऐतिहासिक पुल अब अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जल्दी इस पुल को हटाकर यहां पर नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल के बारे में कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी सवाल पूछ चुके हैं। महाराष्ट्र के सारंग खेड़ा में चल रहे हॉर्स फेस्टिवल में पद्मा नाम की घोड़ी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने को मजबूर कर दिया। सफेद रंग की इस घोड़ी की ऊंचाई 70 इंच है और इसे देश की सबसे ऊंची घोड़ी माना जा रहा है। पुष्कर मेले में इसकी बोली 1.5 करोड़ रुपए लग चुकी है। इसके बावजूद पद्मा का मालिक घोड़ी बेचने को तैयार नहीं है। इस फेस्टिवल में 3,000 घोड़े हिस्सा ले रहे हैं।